हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे एक दोस्त से मिलवाने वाला हूँ, जो हमें बताने वाले हैं कि वो कैसे पोलैंड पे आए थे, उनको कितना एक्सपेंसेस या वो पे करके आए थे, या कितना एक्सपेंसेस लगा था, अभी खाने पीने में कितना खर्चा होता है। वो 6-7 महीने से इधर ही पे है पोलैंड पे, तो वो हमें बताएंगे कि कितना एक्सपेंसेस आता है, कितना खर्चा आता है। मैं उनके अकोमोडेशन के बाहर पे ही हूँ। चलिए तो अंदर जाता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ क्या चीज़ लगता है, क्या क्या चीज़ जानना पड़ता है, TRC के लिए इधर पे कितना टाइम लगता है। जैसे कि मैं भी अभी भी इधर भी नया नया आऊँ, इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहा हूँ, जितना मालूम था उससे ज़्यादा ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को मैं अपडेट दे सकूँ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। तो गाइज, मैं उनके रूम के अंदर पे पहुंच चुका हूँ। तो मेरे भाई इधर पे जी। हेलो गाइज, इनका नाम है संजू, वो मेघालय से है। मेघालय से, शिलोंग से। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इधर का एक्सपेंसेस के वगैरह में। अभी इधर क्या कितना खर्चा आएगा, आप नए नए आ रहे हो तो कितना बजट लेके आना पड़ेगा, किस काम पे आएंगे तो अच्छा रहेगा, ये सब चीज के बारे में हमारे संजू भाई हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले जितना हो सके मैं बताता हूं भाई, उसके बाद में बात करते हैं। ओके। तो गाइस, इनका नाम है संजू, ये मेघालय से बिलोंग करते हैं, और ये लगभग 6-7 महीने से, आप कितने महीने से हो भाई इधर पे? मैं इधर 7 महीने से हूँ भाई। 7 महीने से आप इधर ही हो? अरे यार, थोड़ा डाक आ रहा है, थोड़ा उधर भी चलते शायद। अच्छा, फिर हम लोग बात करते। तो आप इधर से 7 महीने से हो जी। तो भाई, काम वाम क्या कैसा चल रहा है आपका इधर पे? काम तो बहुत ही अच्छा है भाई, इधर का एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत बढ़िया है। इधर आदमी लोग कैसे है इधर के? आदमी लोग अपने काम से ही मतलब रखते हैं, बहुत अच्छे है, फ्रेंडली है, और फ्रेंडली इतना नहीं है लेकिन बहुत अच्छे है, हेल्पफुल है बोलने से। आप अभी वेयर हाउस पे काम कर रहे हो? जी जी जी, मेरा उस पर। आपको काम कितने घंटे करने को मिलता है? 10 से 12 घंटे मिल जाते हैं, 12 घंटा तो करना ही पड़ता है। अगर 12 घंटा काम कर लोगे तो आप कितना कमा लेते हो 12 घंटे में? 12 घंटे में अगर आपको 26 दिन मानने को मिले, आपका कम से कम 75-80,000 इन करेंसी में हो जाता है। 70 से 80 हज़ार पकड़ लो, 4,000 ऑलरेडी लगभग आ जाता है, 3800 से 4000 लोटी आ जाता है। उसमें भाई खर्चा वगैरह कितना आ जाता है? खर्चा वर्चा ज़्यादा नहीं है इधर में, 300 जोल्टी खाने का पकड़ लो, वो आपका हो गया 6000 रुपये, 6000 से 7000 पहुँच जाता है। और बियर भी सस्ता है इधर में, तो बहुत अच्छा है यार। तो इंडिया का बजट देखने से इधर में बहुत अच्छा है, आपका खाने पीने का इधर ज़्यादा 350 जोल्टी में पूरा हो जाता है महीना भर का। तो 6 से 7 हज़ार रुपये में थोड़ा बहुत बियर पी लिया, खाना वाला खा लिया तो चल जाता है, 6 से 7 हज़ार। तो इधर का 300 से 350 लोटी में हो जाएगा अगर खर्चा कम करे तो। ज्यादा करने से तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर आप सेविंग करना चाहते हो इधर आके, तो आप अच्छी तरह से सेव कर सकते हो, खाना पीना थोड़ा बहुत इंजॉय करके, ज्यादा नहीं ला, ज्यादा करने से तो आपका एक्सपेंसेस भी वैसे बढ़ जाएगा। वो भी सही है आपका बात भी। तो आपके हिसाब से यहाँ पे आने के लिए कौन सा महीना, कौन सा ईयर में, कौन सा सीजन में आने से अच्छा है? अगर कोई अपने भाई लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से कहीं से भी आ रहे, कौन से इधर पे, मेरा कहने का मतलब कि ये एक साल में जो 12 महीने रहता है, कौन से 3-4 महीने ऐसे है कि अच्छा रहता है इधर पे क्लाइमेट? जैसे मेरा भी 7 महीने हुआ है, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है, तब भी अगर आप थोड़े गर्मी के टाइम में आओ, जैसे फिर मार्च के टाइम में, मार्च अप्रैल से पकड़ लो, उसके बाद में आने से आपका इधर भी स्प्रिंग सीजन बॉडी एडप्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, कि वो वेदर के कंडीशन से आपका बॉडी एडप्ट करना स्टार्ट हो जाएगा आपके हिसाब से, तो आपको ईजी पड़ेगा। तो वो भी ठीक बात है। अगर इधर पे आना चाहिए तो नॉर्मली इधर पे कंपनी सैलरीज कितना देते हैं? अगर कोई हमारे अनस्किल्ड भाई जो उधर से अप्लाई करके आ रहे हैं, तो लगभग सैलरी उधर पे तो बोलते हैं ना कंपनी, अभी इधर उधर जाके 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, और हम लोग भी सोचते यूरोप पे आ गए तो 1.5 से 2 लाख रुपये सैलरी मिलने वाला है, एक्चुअल में क्या मिलता है इधर पे नॉर्मली? अगर आप अनस्किल्ड हो या कहने का मतलब कि
जैसे कि आप वेयरहाउस पे काम करने के लिए आ रहे हो या छोटी मोटी काम के लिए, तो नॉर्मली सैलरी कितना मिलता है? ज्यादा से ज्यादा मिल भी गया तो? ज्यादा से ज्यादा मिल भी गया आपके काम पे ऊपर, मेनली डिपेंड करता है अपने आपके पर आवर के हिसाब से और कितने घंटे काम कंपनी देती है। अगर आपके कंपनी 12 घंटे देती है तो बहुत ही अच्छा है, आप अच्छा सेविंग कर पाओगे। मैंने जैसे कहा कि 70 to 80 thousand वैसे ही मिलेगा। अगर आपकी कंपनी काम कम देगी तो वह वैसे हिसाब से 50 to 60 पकड़ लो। इधर पे अभी घंटे का कितना मिलता है भाई? 14 to 15 ऐसा मिलता है। 15 अभी अभी नया मिलता है, अभी नया अमेंडमेंट हुआ है अभी इधर के लॉ में, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2022 से आपका जो सैलरी ग्रॉस सैलरी है वो 19 point something zlotys है। तो आपको ग्रॉस और नेट इधर पे अलग रहता है। आपको देखिए उधर पे आप आने के टाइम में, है कि नहीं भाई, उधर पे आने के टाइम में हम लोगों को एजेंसी बोलता है कि कोई भी आप अगर एजेंसी से आ रहे हो तो वो लोग बोलेंगे कि भाई आपको घंटे का उधर का 20 zloty मिल जाएगा। 20 तो पक्का मिलेगा, वो भी सही बोल रहे हैं, मगर वो लोग आप लोगों को क्या चीज़ नहीं बताते, इधर पे टैक्स लगता है आपको जो भी सैलरी मिलता है। अगर आपको 20 zloty उधर से मिल रहा है तो 20 zloty में से लगभग 4.5 to 5 zloty आपको टैक्स पे करना पड़ेगा पर आवर का। उसके बाद में जो बचता है वो आपको मिलता है, वो 5 zloty जो गवर्नमेंट के लिए टैक्स पे चला जाएगा। जैसे ही आपका टैक्स अच्छे से जाता है उसके बाद में टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका भाई टीआरसी? मैंने अपनी, मेरा वीजा अभी है इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया। मेरा कंपनी एंड ऑफ द मंथ में वो टीआरसी के लिए अप्लाई कर देगा। जैसे कि मैंने सुना था कि अगर आपका वीजा सपोज मान लीजिएगा एक, अभी मैंने आया हूँ, जैसे कि मेरा वीजा अभी 1 साल के लिए जी, अभी अभी तो 1 साल के लिए नहीं है, 10 महीने के लिए। कंपनी मेरे को बोल रहा था कि अभी 6 महीने 7 महीने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हो टीआरसी के लिए। वैसा ही रहता है कि इधर पे वैसे ही सिस्टम है? अगर आप कंपनी के थ्रू जाओगे, कंपनी आपको सब कुछ करके देगी तो वो लोग बोलेंगे लास्ट में ही अप्लाई करना, क्योंकि एंड जब आप लोग का वीज़ा ख़त्म होने लगेगा उस टाइम में अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। नहीं तो अगर आप, ये लंबा प्रोसेस रहता है, हर कोई नहीं कर पाता। जैसे कि आप लॉयर हायर करो, अपना से ये फॉर्म भरो टीआरसी के लिए, ये सब हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन जैसे हम लोग है, हम लोग कंपनी को देते हैं, कंपनी अपने से कर देती है वह सब लोग का 6 महीना। आपको कुछ पे करना पड़ता है उसके लिए? हाँ, उसके लिए तो करना पड़ता है। आपको कितना पड़ेगा? 40 हम लोग के कंपनी से ले रहा है, 1400 zloty ले रहा है टीआरसी के लिए। टीआरसी के लिए तो सब कंपनी टू कंपनी ये चीज़ कंपनी टू कंपनी ये डिफरेंट होता है। जैसे कि किसी में 600 to 700 भी क्या चार्ज करता है, हम लोग की कंपनी इतना चार्ज कर रही है, तो वो डिफरेंट भी होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि सैलरी का देख के भी होता है ना, किसी का थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है, 1-2 rupees का डिफरेंस भी होता है। अगर ये टीआरसी आएगा तो कितने साल के लिए आएगा भाई? ये 3 साल के लिए आएगा। और गाइस मैंने एक चीज इधर आके मुझे मालूम पड़ा, मैंने ऐसा है, अभी आप लोग जब टीआरसी के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि आप लोगों के पास 3 महीने का अभी जैसे कि वीजा खत्म होने के 3 महीने पहले आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते। जैसे आपने टीआरसी के लिए अप्लाई कर लिया, टीआरसी 3 महीने के अंदर में नहीं आता है, उसके लिए कभी 8 महीने 10 महीने लग जाते हैं। और मैंने सुना था थोड़ा ज्यादा पैसा इधर उधर लॉयर और इधर उधर करके 2000-2500 zloty दे दोगे तो आप 6-7 महीने में भी आ जाते हैं। मगर यहाँ पे आने के बाद में एक चीज है, जैसे कि आपने टीआरसी के लिए अप्लाई कर दिया, 3 महीना आपका वीजा बाकी है, 3 महीने के बाद में आपका टीआरसी वो वीजा खत्म हो जाएगा। उसके आपको जब टीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग एक पासपोर्ट भी स्टैम्प देते हैं, जिसके हेल्प से आप वो आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद में भी आप इधर उधर जा सकते हैं पोलैंड के अंदर में। पोलैंड से बाहर कहीं नहीं जा सकते, जब तक आपका टीआरसी नहीं आता तब तक आप पोलैंड से बाहर कहीं नहीं जा सकते। आप इंडिया पे भी नहीं जा सकते, इंडिया पे जाओगे अभी इधर उधर करके चले जाओगे उसके बाद में रिटर्न नहीं आ पाओगे। जब तक टीआरसी नहीं मिलता है तब तक कहीं पर नहीं जाने का। टीआरसी जैसे मिल जाएगा, टीआरसी 3 साल के लिए ना भाई, 3 साल के लिए मिलता है, उसके बाद में आप कहीं पर भी जा सकते हो। और भाई आप आने के टाइम में कितना पैसा पे करके आए थे? मैंने तो मोर देन 4 lakh दिया था एजेंसी के थ्रू आया था। 4 lakh rupees तो देके आए थे मैंने। 4 lakh rupees, 4 lakh rupees में आपके आपका टिकट नहीं, वो सब इंक्लूड उसमें हो जाता है, जैसे वो एजेंसी ही करके देती है। आपके यहाँ का एजेंसी था? आपके यहाँ मेरे वहाँ का एजेंसी था। ठीक है भाई, नाम मत बताइए एजेंसी का, छोड़ दो।
आपके यहाँ का एजेंसी था, 4 लाख रुपए लिया, 4 लाख रुपए में क्या क्या चीज कर दिया, करके दे दिया उन्होंने? उन लोगों ने BFS, MBC ये सब करके दिया। उसके बाद में इंटरव्यू हुआ। उसके बाद में मैं इधर में आया, वो टिकट का वो इंटरनेशनल का तो दिया, डोमेस्टिक का तो सब अपना से करना पड़ता है, उतना दे के भी तो थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये इधर में आके आपका रिकवर हो जाएगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ कि आप काम करोगे अच्छे से तो 8 महीने आप में। तो आप तो 7-8 महीने से इधर पे हो। आपको जो रेट 4 लाख रुपीस उन लोगों ने दिया, आपको सही लगता है आपके हिसाब से? बताइए। बहुत ज्यादा हो गया, जैसे भी क्या वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैं मेरे दोस्त लोग भी है जो आए थे बाद में, उन लोग से मैंने पूछा कि कितना लगा है तेरे को इधर में आने के लिए, तो उन लोग ने बोला कि मैं मेरे को थोड़ा 3 जैसा लगा है, 3, किसी ने बोला 2.5, वो देख के होता है, वो एजेंसी भी देख के होता है, मैं हम लोग सब एक ही एजेंसी। आपके हिसाब से जितना आपको मालूम पड़ा, अगर कोई एजेंसी से आ रहा है तो एकदम इतना दे के आने में सही है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ही जैसा लगता है, आपको कितना रेट सही लगता है? अभी जैसे करके भी नॉर्मली 3 या 3.5 चल रहा है, देखो 3 या 3.5 तो लेगा कोई भी एजेंसी जहाँ पर भी अप्लाई करो। अब ज्यादातर मेरा ख्याल से 3.5 में सब आ जाते हैं, 3.5 लाख लगभग, 3.5 लाख रुपया लग जाता है। तो आप एवरेज में, एक क्वेश्चन आपके लिए, एवरेज में आप मंथली कितना लगभग कमा लेते हो? एवरेज अभी इस महीने ज्यादा कमा ली, इस महीने कम, तो एक एवरेज में सोचेंगे तो आप महीने में कितना कमा लेते हो? 65 हो जाता है, वह अगर एवरेज देखो खाना वाना खा के कितना होता है? 50,000, मोर देन 50,000 तो हो जाता है, 50,000 कमा लेते हो। तो गाइस ये सब इन्फॉर्मेशन जो अभी नए अप्लाई करने वाले उन लोगों के लिए, और भाई कुछ जानना था और भी, मैं तो जब इमिग्रेशन से आ रहा था तो मैंने याद किया यहाँ के लोग बहुत रूड टाइप के लगे, वो हंसते भी नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही है यहाँ का कल्चर या क्या है? हाँ, इधर के आदमी ज़्यादा हंसते नहीं, क्योंकि इन लोग को पता नहीं, मैं हंसने तो जैसे फ्रेंकली काम एक साथ करोगे तो उन लोग पोलाइट ही होते, अच्छे होते, इतने हंसते नहीं, आपके हंसते नहीं, अच्छे हंसते नहीं है, हंसते नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में चलते हैं, जिससे भी मजाक कर लिया थोड़ा वो वैसा नहीं, किसी आपको जानते हैं ऐसा नहीं होता, लोग फ्रेंक ज्यादा नहीं होते, अपने काम से काम रखना है वो उतना है इधर में बिजनेस। और भाई इमिग्रेशन में आने के टाइम में कुछ जो चीज आपको लगा हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए, ये जैसे आपका ये पासपोर्ट में जो फोटो लगा हुआ था, फोटो के हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि आपको इजी पड़ेगा इमिग्रेशन चेक में, वह आपको फेस दिखेगा उसमें, फेस देखने से आपको इजी पड़ेगा कि ये डाउट नहीं करेगा इमिग्रेशन वाला। वो चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे मेरा बियर्ड नहीं था, पासपोर्ट के फोटो पे, और इधर भी बियर्ड था, वो बार बार देखते ही जा रहा था मेरे को और बोल रहा था इधर देख रहा था उधर देख रहा था, उसके बाद में उसने मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स मांग लिया, और 2-3 लोग मैंने मेरे ही साइट पे 3-4 काउंटर ऐसे लगे हुए थे, इंडिया पे नहीं इधर पे, जो पोलैंड पे आप जब इधर पे आ जाते हो वॉर्सो एयरपोर्ट पे, वहाँ पे इमिग्रेशन जो है वहाँ पे मैंने नोटिस किया, मेरे वो लोगों को ज़्यादा चीज़ कुछ भी नहीं मांगा, बस पासपोर्ट एक आया, पेपर इधर पे रख दिया, चेक भी नहीं किया, सीधे छोड़ दिया, मेरे को लगभग 10 मिनट रख दिया यार उधर पे दाढ़ी की वजह से, अभी उन लोगों को उधर पे डाउट लगा, उसके बाद में मांग रहा है मेरे को अकोमोडेशन लेटर दिखा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिखा, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके वो फेस लुक से भी थोड़ा वो चीज़ एकदम आप लोगों को ध्यान पे रखना है। अगर कोई भी मेरे भाई लोग आ रहे हैं इधर पे, एक चीज़ आप लोग याद रखिए, अपना डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट चेक करना है, आपका सिविल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, आपका अकोमोडेशन लेटर आप लोगों के पास ओरिजिनल होना चाहिए, आपका वर्क परमिट आपके साथ में होना चाहिए, उसके ऊपर से पासपोर्ट पे जो आपने फोटोग्राफ्स पे कभी कवर क्या रहता है, हम लोग ऐसा फ्रेंच बियर्ड लिया फिर बाद में बढ़ा दिया तो थोड़ा लुक्स में चेंजेस आ जाता है दिखने में, तो उधर पे वो सब चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो थोड़ा आपको ही उधर पे 10-15 मिनट 20 मिनट और टाइम लग जाएगा, ये चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी आ रहे RT-PCR ज़रूर करके आइएगा इधर पे, वो लोग RT-PCR ज़रूर चेक करेंगे, वो भी वहाँ से करवाइए जो ICMR अप्रूव्ड है वहाँ से करवाना है आपको, उसके बाद में डबल वैक्सीन ये लोग ये वो भी चेक करते हैं आपने डबल वैक्सीन लिया है कि नहीं, या जैसे कि मेरे साथ में वो चीज़ हुआ, मैंने वो लोग चेक कर दिया, उसके बाद में उतना कुछ नहीं है,
आपके पास इतना सब चीज़ है तो आप आराम से अंदर भी घुस जाएंगे आ जाएंगे, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आने के टाइम में गरम गरम कपड़ा जरूर लाइएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है मार्च 15-20 तक गर्म ही रहेगा। और रूम के अंदर चिंता करने की जरूरत नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है हर रूम में बड़ा बड़ा हीटर दिखता है। अभी मेरे को गर्मी हो रहा है, बाहर से आने के टाइम में मेरे को ठंडी हो रहा था, अभी गर्मी गर्मी हो रहा है। अभी थोड़ा मौसम भी अच्छा है, 3-5-6 दिन आगे से अभी थोड़ा धूप भी निकल रहा है, ठीक है मौसम। अंदर पे रूम पे आप बैठेंगे बड़ा बड़ा हीटर रखा हुआ रहता है ना भाई, रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, बाहर में बाहर के लिए मोटा मोटा जैकेट लेके आना, लेकिन इंडिया से अंदर उतना आपको जरूरत नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ठीक है ब्रदर, संजू भाई प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब ब्रदर, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया था। आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर कमेंट पे आके कमेंट सेक्शन पे बताइए, आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।